गाइस वेलकम टू आवर न्यू व्लॉगर। भाई आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 2:40 से। भाई मैं गया था, मेरा था पेपर, भाई पेपर गया बढ़िया, पर एक क्वेश्चन आता हुआ गलत करके आ गया। मैं आता था, पढ़ के गया पर समझ नहीं पाया कि क्वेश्चन क्या था, मतलब उसका टॉपिक का नाम ही भूल गया था मैं। फिर बना बना के कुछ भी लिखा है 1.5 पेज का, पर सुना तो कुछ और था वो आंसर। वो मैंने पढ़ रखा था पूरा, याद था जब भी। कोई नहीं, और भाई आरती तो हेरी अर्जुन यहाँ लेटा हुआ है अंदर, और भाई मैं भी आया, बस मैं जा रहा हूँ दोबारा पढ़ने, क्योंकि मेरा परसों दोबारा पेपर है। परसों क्या थोड़ा थोड़ा रिलैक्स फील हो जाऊंगा भाई, वो भी फिर एक हफ्ते बाद पेपर सीधा, मतलब पैसे की फ्राइडे होगा, फिर नेक्स्ट फ्राइडे है, वो भी मैथ्स है, कैलकुलेशन करनी है, वो तो कर लेंगे कोई नहीं। पर थोड़ा रीडिंग वाला है, थ्योरी पार्ट है अभी तो फिलहाल पढ़ना है। अगले दोनों पेपर हमारे दो तीन पेपर देने में, सारे सारे प्रैक्टिकल टाइप बेस्ड है, सीधे एक हिंदी का आएगा, बाकी सारे प्रैक्टिकल ही हैं लगभग। हाँ सारे। तो भाई चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने, फिर मिलता हूँ पढ़ाई करने के बाद। और ये तो दोनों सो ही रहे हैं, अर्जुन अर्जुन कल पेपर है, पढ़ा कुछ नहीं था, पता नहीं क्या होगा उसका हाल, क्योंकि सोचते कि बड़ा इजी आएगा पेपर कॉलेज का। और 15 नंबर का सिर्फ एक क्वेश्चन करना होता है, सोचता है 5 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और 15 नंबर कम से कम 3-4 पन्ने लिखने होते हैं एक के ऊपर। चलो भाई चलते हैं, फिर पता चलेगा ऐसे पेपर देने के बाद, ठीक है ना। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में, पढ़ लूँ फिर मैं। तो अब हम मम्मी को जा रहे हैं बाजार छोड़ने, हर बार की तरह जो हम जाते हैं मम्मी को छोड़ने, मम्मी आती खुद है छोड़ने, हमें जाना पड़ता है। तो अब मम्मी को जा रहे हैं हम छोड़ने। मैं आ नहीं रही थी, मेरे को जबरदस्ती लेके आया है, ठंड में कम्बल में लेटी हुई थी आराम से, जबरदस्ती लेके आया है कि चल चल। मैंने कहा यार चल घूम के आ जाते हैं, थोड़ा घर से तो बाहर निकलती नहीं, मैंने कहा चल थोड़ा बाहर तक घूम ही आते हैं। तो चलो ठीक है, मैं आपको बाजार के नज़ारे दिखाती हूँ, अपने यहाँ के बाजार कैसा लगता है मेरे यहाँ का। तो भाई मैंने मम्मी को छोड़ दिया है आधे रास्ते, ओके भाई वहाँ पूरा जाम लगा हुआ था एक साइड से, भाई उन्होंने कुछ तो नहीं क्या डाल रहे हैं पाइप वाइप, तो भाई ऊपर जाम लगा, इसलिए मम्मी को आधे रास्ते पे छोड़ के आ गया हूँ। और मैंने कहा वीडियो बना लिया, नहीं मैंने बना रही वीडियो, तू ही बना, क्योंकि मम्मी को छोड़ के नहीं आया पूरी तरह से। अब आएगी फोटो एकदम मेरी क्लियर होगी, वो पड़ी है लाइट सीधा। तो भाई अभी तो हम जा रहे हैं घर वापसी, मतलब आधे रास्ते ही छोड़ के आया हूँ, क्या क्या ही छोड़ के आया हूँ मम्मी को आधे रास्ते में बिल्कुल। तो भाई अभी कब घर जा रहे हैं, और फिर मिलते हैं आपसे घर जाने के बाद, और भाई फिर दोबारा लग जाएंगे अपने पढ़ाई के अंदर, घर पहुँचते ही हम सीधा, ठीक है ना। चलो घर पर, और भाई अभी टाइम हो रहा है 7:15, और इसे देख लो आती, बस आते ही फोन में सीधा, और भाई मैं जा रहा हूँ पढ़ाई करने सीधा। और अभी घर के ऊपर दिखे हमें बंदर, दो दो बैठे हुए थे, और भाई साहब आरती आई भगवक के, हमारे फर्स्ट फ्लोर पर बैठे हुए यहीं पर बाहर, और अम्मा यहाँ पपीता खा रही है अम्मा। और भाई मैं जा रहा हूँ फिर पढ़ाई करने, यार क्या करें, बस कल कल वो करनी है, बस कर तो फिर पूरा तो रिलैक्स माइंड, एक एक हफ्ते की छुट्टी है, होगी इसमें से एक एक दिन की छुट्टी है ना, तो एक दिन में क्या ही पढ़ सकते, जो है वो इम्पोर्टेंट पढ़ लेंगे, ठीक है ना। चलो भाई मैं पढ़ने जा रहा हूँ, वीडियो एडिट नहीं करी मैंने पर अभी तक, देखूंगा करूँगा, नहीं तो लेट डालूंगा आज वीडियो, देखते हैं कब डलेगी, कल की पता नहीं कल कब डलेगी, कल मेरे भरोसे नहीं, कल अर्जुन डालेगा वीडियो, कल परसों फिर मेरा पेपर है तो कल ही पढ़ना है मेरे को, ठीक है ना। चलो थोड़ी देर बाद मिलता हूँ मैं आपसे। तो भाई रात के बज रहे हैं बस 9:45, और भाई तुम्हारा भाई जो पढ़ रहा था अभी 8:30 बजे तक पढ़ा हूँ, 3 बजे पढ़ रहा हूँ, मतलब थोड़ा गैप करके, पर जो मजा आया पढ़ने वो आया मुझे 3 बजे से लेकर 5:30-6 बजे के बीच में, उसके बाद तो फिर ऐसे ही हो गया मेरा, फिर ना ओवर फ्लो सा हो गया, लग गया कि अब नहीं पढ़ना, बस पढ़ता रहा फिर मैं, पर ठीक है, पर जो पढ़ा था थोड़ा सा भूल गया, पर रिवाइज करूंगा आराम से हो जाएगा एक आधे घंटे में। अब अर्जुन यहाँ बैठा हुआ है। और भाई अर्जुन हंस रहा है। तो भाई आप वैसे भी इस ब्लॉग को वैसे भी हम एंड कर देते हैं, क्या मैं जा रहा हूँ सोने, ओके अपनी पटरा आते 9:45, 10 ही बजने वाले हैं, 15 मिनट ही है। तो भाई इस ब्लॉग को करते हैं फिर हम यहीं पर एंड, है ना। करना लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कमेंट जरूर करना कि ब्लॉग कैसा लग रहा है। तो
तो आपसे मिलते किसी एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय। तो भाई लो बाहर के भी दर्शन कर लो एक बार, मौसम देख रहे हो क्या ठंडा हो रहा है, बिल्कुल देख रहे हो, ये देखो अभी ट्रेन गई है यहाँ से बस।